नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन के ऊपर बेस करके वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आप फेक कॉल से बच सकते हैं, एज वेल एज एंट्री लेने का साथ साथ आपको एग्जिट कहां पर करना है। देखिए, अगर आप ऑप्शन बायर्स है तो आपके लिए एंट्री जितना इंपॉर्टेंट है, एग्जिट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग एंट्री तो ले लेते हैं बट सही जगह पे मार्केट को छोड़ नहीं पाते। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम लोग एक छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं और उसका बाद देखते हैं मार्केट लंबा रैली देखेंगे तो रैली अक्सर हम लोग का हाथ से छूट जाता है, और कभी कभार उल्टा भी होता है जो थोड़ा सा ज्यादा वेट करने का चक्कर में हाथ में जो भी पैसा आ रहा था वो भी हाथ से निकल जाता है, तो दोनों तरफ भी फंसते हैं। रीजन एक ही है जो हम लोग सही जगह पे मार्केट को छोड़ नहीं पाते। तो इस वीडियो में मैं सारा चीज को एक्सप्लेन करूंगा, एंट्री से लेके एग्जिट तक। वीडियो का अंत जरूर देखिए, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो एज ए एग्जाम्पल, 50,400 का पुट का चार्ट लगाया हुआ है, ये आज का फर्स्ट ओपनिंग कैंडल है। तो देखिये, ये जो ब्लू कैंडल आपको दिख रहा है, ब्लू कैंडल होता है ट्रेंड रिवर्सल कैंडल। जब भी कोई ब्लू कैंडल बनेगा तो समझ जाना है जो आपको कोई फ्रेश कॉल मिलने वाला है। नेक्स्ट कैंडल जैसे ओपन हुआ, यहाँ पर देखिए एक बाइंग का कॉल आपको दिख रहा है। अभी ये जो ग्रीन कलर का एरो, ये आपका बाय का कॉल है। जब भी कोई कॉल बनेगा आपका स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिकली पॉपअप आ जाएगा। अगर आप इसको मतलब पॉपअप अलर्ट को ऑन करके रखते हैं तो आपका स्क्रीन के ऊपर इस टाइप का मैसेज बॉक्स आ जाएगा साउंड के साथ, आपको कॉल ढूंढने का जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन ये है जो कॉल सही है या गलत है, क्योंकि कॉल बहुत सारा बनता है। एंट्री लेने का पहले ट्रेडर को क्या क्या चीज देखना है, सबसे पहला चीज है बाय का कॉल का पहले एक ग्रीन स्टार बनना चाहिए। स्टार आपको बता रहा है जो यहाँ पर आपको ब्रेकआउट मिल चुका है मार्केट में, नीचे का रिबन का कलर ग्रीन होना चाहिए और ब्रिक्स वाला जो इंडिकेटर है उसका कलर ग्रीन होगा और ये व्हाइट का ऊपर रहेगा। अगर तीन पैरामीटर मैच होते हैं तभी जाके इस कॉल को आप स्ट्रॉन्ग कॉल बोलेंगे, अदर इज नॉट। तो देखिए, यहाँ पर तीनों का तीनों पैरामीटर मैच था तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। अब देखिए, एंट्री लेने के बाद आपको एग्जिट कहां पर करना है, एग्जिट करने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा नीचे का ब्रिक्स तरफ। जब तक ये ब्रिक्स वाला इंडिकेटर व्हाइट को तोड़ के नीचे का तरफ मूवमेंट नहीं करेगा तब तक आप अपना पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो ये वाइड लाइन को तोड़ता कब है। जब तक ये वाइड लाइन को तोड़ेगा नहीं आप अपना पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी भी देखिए मार्केट ऊपर का तरफ मूवमेंट कर रहा है, व्हाइट का ऊपर मूवमेंट कर रहा है, धीरे धीरे मार्केट काफी ऊपर चला गया। जहां पर हम लोग का बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेशन रहता है 40-50 पॉइंट 60 पॉइंट, बट जिस दिन मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो सेंटिमेंट के हिसाब से चलता है। जैसा आज को मार्केट काफी मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है तो 2000 पॉइंट से लेके ये 4000 का ऊपर, मतलब 2000 का ऊपर मार्केट में रैली देखी गया। अगर इस तरीका का मार्केट में भी अगर आप वही सेम 50-60 पॉइंट लेके निकल जाने का बारे में सोच रहे हैं तो ये एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए नेगेटिव पॉइंट है। जिस दिन मार्केट में प्रॉफिट है अगर आप उस प्रॉफिट को कंटिन्यू नहीं किए तो आप अल्टीमेट रिजल्ट नहीं बना पाएंगे। मार्केट डेली एक जैसा नहीं रहता है, इसके लिए मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, जो टारगेट का पीछे मत दौड़िए, सेंटिमेंट को पकड़िए जो मार्केट में किस दिन कितना सेंटीमेंट चल रहा है। अगर आप सेंटीमेंट को कैच करना सीख गए तो कहीं पर भी आप लंबा प्रॉफिट उठा सकते हैं। तो अगर आप प्रॉफिट को इंक्रीज करके रखेंगे तभी जाकर लॉस आपका बैलेंसिंग होगा, क्योंकि लॉस नहीं होगा ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। लॉस भी इस मार्केट में एक पार्ट होता है, बट अगर आप प्रॉफिट को इंक्रीज करके रखेंगे तो ही वो लॉस आपका बैलेंसिंग हो पाएगा। तो लॉजिक कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा, अच्छा लगने से लाइक शेयर जरूर कीजिए, फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। एंड मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइव डेमो के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। एंड फाइनली एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है एंट्री एंड एग्जिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंट्री लेने के लिए तीन चीज को देखना है, नीचे का रिबॉन, स्टार एंड ब्रिक्स, एंड फाइनली एग्जिट करने के लिए ब्रिक्स वाला इंडिकेटर को ही देखना है जो कब व्हाइट का नीचे आ रहा है। जैसे आप व्हाइट का नीचे मूवमेंट करना शुरू करेगा आप अपना पोजिशन को स्क्वायर अप कर लीजिएगा। थैंक यू।